बिहार महागठबंधन में दरार खुलकर सामने आ गई। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद बिहार में कांग्रेस के कुछ विधायकों ने उसी तर्ज पर बिहार में हार की जिम्मेदारी लेते हुए विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग की। ये मांग करने वालों में कांग्रेस विधायक राजेश कुमार प्रमुख है, जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी की तरह गठबंधन के अन्य लोगों को भी पद का मोह त्याग कर फैसला लेना चाहिए। ऐसा ही बयान कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने भी दिया, लेकिन राजद ने इस मांग को खारिज कर दिया है। आरजेडी के विधायकों का कहना है कि तेजस्वी यादव के इस्तीफे की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा ही कुछ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा और तेजस्वी के नेतृत्व में पूरा भरोसा जताया। सूत्रों की माने तो इस्तीफा तो दूर, तेजस्वी यादव चुनाव में हार के बाद अब पार्टी की पूरी बागडोर अपने हाथ में चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि लालू यादव अगर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तो कम से कम कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें बना दे। असल में जिस तरह से चुनाव में करारी हार के बाद से तेजस्वी फ्रेम से गायब हो गए थे, इसके साथ ही पार्टी की गतिविधियों और विधानसभा सत्र में भी अनुपस्थित रहे हैं। भले ही तेजस्वी ने अपनी गैर मौजूदगी के लिए अपनी बीमारी का हवाला दिया हो, लेकिन उनके गायब रहने और हार की जिम्मेदारी से भागने का सवाल तो अभी कुछ दिन और पूछा जाएगा। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।